अंतर्राष्ट्रीय समाचार लेकर आई हूँ। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। स्वीडन में 36 साल की क्लाइमेट मिनिस्टर नई सरकार रोमिना को एक जिम्मेदारी पानी की भी है। राष्ट्रीय समाचार। पीएम मोदी ने डिफेंस एक समय 22 का उद्घाटन किया। सक्सेस स्टोरी बन रहा है। पिछले 8 साल डिफेंस एक सपोर्ट 8 गुना बढ़ा। धन्यवाद। मेरा मिस नागरण जारी रहेगा। मैंने 5वीं एकल कक्षा से राजकीय और खेल जगत से समाचार लेकर आया हूँ। राजकीय समाचार। तेलंगाना में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 23 अक्टूबर को पहुँचेगी तेलंगाना में प्रवेश करेगी। तेलंगाना मुनगोरे विधानसभा उपचुनाव के लिए 47 उम्मीदवार मैदान में। खेल जगत से समाचार। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में नहीं पहुँचेगी इंडिया कप्तान देव की भविष्यवाणी। आगे की जानकारी हमारा मित्र नरेंद्र जाने रखेंगे। धन्यवाद। नमस्कार सभी को। मैं नरेंद्र 5वीं एकल कक्षा से मौसम की जानकारी लेकर आया हूँ। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। धन्यवाद। आगे की जानकारी मेरे हर्षिनी जारी रखेंगे। पांचवी कक्षा हेजल से सुविचार लेकर आई हूँ। सुविचार। इंसान समय और परिस्थितियाँ खुद बनाता है। आप अपनी समय का सही उपयोग करके अपनी तकदीर बदल करते हैं। मैं फिर से दोहराती हूँ। इंसान समय और परिस्थितियाँ खुद बनाता है। आप अपनी समय का सही उपयोग करके अपनी तकदीर बदल करते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। पांचवी हेजल कक्षा से आप सबसे सामने आज का शब्द प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज का महत्वपूर्ण शब्द है समय। समय का यह अर्थ है कि किसी विषय के लिए नियत किया गया समय में समय और अंतिम बिंदु समय के पर्यायवाची है। कल एवं तिथि। धन्यवाद और एवं शुभ। मुझे 5वीं हेजल कक्षा से आप सबको दीपावली का महत्व बताने जा रहा हूँ। दीपावली को दीपों का त्योहार या दीपोत्सव भी कहा जाता है। दिवाली भारत का सबसे लोकप्रिय और सबसे बड़ा त्योहार है। यह त्योहार भगवान राम की याद में मनाया जाता है जो 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। इस अवसर पर हिंदू अनुयासी मिट्टी के दीपक जलाते हैं और अपने घरों को रंगोली से सजाते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। Thank you.